मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं मात्र दो मिनट बोलूंगा और वो दो मिनट में जो कुछ बोलूंगा उस पर मोहर लगाने के लिए अंत में एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करूंगा कि जो मैंने कहा है उसमें स्वतः ही मोहर लग जाएगी, क्योंकि ये हादसा राजस्थान का है, वहां भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, इस मुद्दे को उठने नहीं दिया गया। उस शख्स को आज आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि मोदी के जो कारनामे हैं उसके नीचे की सरकारों के जो कारनामे हैं वो कम से कम पूरे देश के सामने है। मित्रों, दो अप्रैल को बिना किसी नेतृत्व के पहली बार इस भारत देश में सबसे ज्यादा शोषित समाज ने इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपना विरोध प्रकट किया, भारत बंद का आह्वान किया। वो भारत बंद राजस्थान में भी हुआ था और बहुत जोश खरोश से हुआ, लेकिन घंटे दो घंटे बाद ही जब देखा कि ये भारत बंद बहुत बड़े तरीके से सफल हो रहा है तो उसके बीच में आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता घुस गए। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी ताकि माहौल को खराब किया जा सके, एक वर्ग विशेष को, दलित समाज को बदनाम किया जा सके, और पुलिस ने इसकी आड़ में जो कभी अंग्रेज लोग किया करते थे, जनरल डायर ने किया था, जिंदे आदमी में सामने खड़े होकर गोली मारना, उससे भी बुरा कर्म राजस्थान की पुलिस ने किया। हमारे भाई पवन साथी थे, पवन जाटव, उनके सिर में गोली मारी, सामने खड़े होकर नजदीक से सिर में गोली मारी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उनको इनाम दिया जा रहा है, प्रमोशन की बातें की जा रही है, और शहीद पवन जाटव को कोच नहीं मिल रहा, उसके परिवार वालों पे आज भी अत्याचार हो रहे हैं, कोई उनसे मिलने जाता है, शोक प्रकट करने जाता है तो धारा 144 लगा दी जाती है, जो उनसे मिलने जाता है उनसे तरह तरह के सवालात किए जाते हैं कि क्या जरूरत है आपको मिलने की, क्यों माहौल खराब कर रहे हो। अभी गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी जी वहां शोक प्रकट करने के लिए गए थे, रात को 12 बजे धारा 144 लगा दी गई। मतलब कि आपको अब हिंदुस्तान में घूमना फिरना भी, अगर आप मोदी के विरोध की भावना लेकर रखते हो तो आपको इस देश में घूमने फिरने कहीं आने जाने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इस तरीके से जो लगाम लगाई जा रही है, आज उनके पिताजी मेरे साथ आए हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा जल्लाराम जी से कि वो आगे आए, और शरद यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि साहब बहुत ज्यादा अन्याय इस परिवार के साथ हुआ है, आप अपने उद्बोधन में भी इनको शामिल करें, इस मुद्दे को शामिल करें ताकि जो FIR ये पार्टी की तरफ से हम जल्लाराम जी को और उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद देना चाह रहे हैं, जो माननीय शरद यादव जी के हाथ से हम दिलवाना चाह रहे हैं, दिलवा रहे हैं। मीडिया के मित्रों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना बड़ा कांड हुआ है इसको जरूर आप हाईलाइट करेंगे ताकि पता पड़े कि दलितों पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। इनको घर में नजरबंद तक कर दिया जाता है जब कोई बड़ी शख्सियत इनसे मिलने जाती है, कोई शोक प्रकट करने जाती है। तो ये हालात दलित समाज के साथ इस देश में हो रहा है। हिंदू एकता के नाम पर दिया गया वोट सरकार बनने के बाद हिंदू एकता भूल जाते हैं। दलित समाज ने भी हिंदू एकता के नाम पर बैठ कर ये वोट दिया था और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से बिठाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद तुम नीचे हम ऊंचे, नीचे बैठोगे, इस तरह की बातें जब होती है तो अपने आप समाज अपने आप को अलग कर लेता है। मेरा निवेदन है यहाँ दलित समाज के जितने भी भाई बैठे हैं कि हम आरएसएस और भाजपा में जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, आपके समाज के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन पर प्रेशर बनाए, दबाव बनाए कि वो भाजपा को और आरएसएस को छोड़ के समाज के लड़ाई में साथ देने के लिए आपके साथ है। ये दलितों के साथ है, किसानों ने आत्महत्या करी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल ने पढ़ाया हो, दिखाया होगा, आपने खूब देखा है, दिल्ली में भी हुक्म किया था एक किसान ने आत्महत्या, वो भी राजस्थान का था, बांदीकुई का। किसान मर रहे हैं, दलित मर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, ये सब हत्याएं और आत्महत्याएं नहीं है, ये षड्यंत्र पूर्वक की गई निर्मम हत्याएं हैं जो धारा 306 के तहत IPC में
दोषी साबित करता है। और मैं आज की सरकार को, मोदी सरकार को इस धारा 306 के तहत दोषी मानते हुए अपील करता हूं कि कोई अगर यहां पर संस्था है जो दिल्ली में रहती हो, काम करती हो, मोदी जी के खिलाफ धारा 306 में आप रिपोर्ट दर्ज कराइए, और जिस दिन कोई निष्पक्ष सरकार बनेगी उस जांच में ये सरकार दोषी पाई जाएगी, इनको सजा होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं मोदी जी को मोदी जी की भाषा में एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। वो बहुत शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का खेल खेलते हैं। आज मैं भी मोदी जी, आप पीपीपी के फुल फॉर्म बताते हो, मैं मोदी की फुल फॉर्म बताता हूँ, MODI, M for murder, O for off, D for democracy, I for in India, murder of democracy in India, भारत देश में लोकतंत्र की हत्या, ये मोदी की फुल फॉर्म है। आप दूसरों की फुल फॉर्म बताते हो, पहले आप अपनी फुल फॉर्म को सुधार लो, आपके पास बहुत कम समय बचा है। मैं कहता हूं आप राम मंदिर का नाम लेते हो, राम का नाम लेते हो, आप खुद राम में विश्वास नहीं करते। अगर राम में विश्वास करते तो आप इन कारनामों से डरते कि ऊपर जाके आपको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी इनको कर्मों की, लेकिन आप खुद राम में विश्वास नहीं करते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं एक नारे के साथ, इंकलाब शरद यादव तुम संघर्ष करो, जय हिंद जनता।